गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आप लोग के बीच जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर्स किन किन नंबरों का निकलता है या स्क्वायर रूट्स किन किन नंबरों का हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये चीज याद रखिये, स्क्वायर्स हो या स्क्वायर रूट्स हो, ये सब हमेशा नेचुरल नंबर के ही निकलते हैं। किसके निकलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को मालूम होगा, नेचुरल नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके स्टार्टिंग वन से होती है। किससे होती है नेचुरल नंबर? वन टू थ्री फोर डॉट डॉट इंफिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ऑलवेज वन से स्टार्ट होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और स्क्वायर रूट हो चाहे स्क्वायर्स हो, वो हमेशा नेचुरल नंबर के ही निकाले जाते हैं। ठीक बेटा, और परफेक्ट स्क्वायर बोले या स्क्वायर बोले बात एक ही है। ये कभी कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने को बोला है और बोलते अदर क्वेश्चन में बोल दिया स्क्वायर निकाल, दोनों का मीन एक ही होता है। ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं बेटा। ठीक है, और स्क्वायर रूट को बेटा हिंदी में हम वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्गमूल। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी वाले भी बच्चे लोग। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया हो। जैसे आप सबके बीच में एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर निकालना है। क्या दिया गया? 16 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो 16 का स्क्वायर बोल देगा, या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि ठीक है 16 का आप स्क्वायर रूट निकालें, दोनों भी बोला जा सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। हर एक नंबर को हम ये नहीं बोल सकते कि आप इसका आप स्क्वायर रूट निकालें, लेकिन स्क्वायर निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को बोल सकते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है? वेरी। देखिए बेटे, आपको यहाँ पे बोला जाए 16 का स्क्वायर, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया जा सकता है फाइंड द स्क्वायर। क्या दिया जा सकता है? फाइंड द स्क्वायर। ओके, या फिर आपको ये भी नहीं देगा, ठीक है, आपको ये भी नहीं दिया जाएगा और बोला जाएगा बेटा, आपको क्या बोला जाएगा ये ध्यान दीजिए, खाली ऐसे दे देगा 16 की होल पावर 2। क्या दे देगा? 16 की होल पावर 2 या फिर 16 की पावर 2 ऐसे, यानी कि 16 के ऊपर पावर 2 भी लगा सकता है। ठीक है, ऐसे बोल देगा कि 16 का स्क्वायर, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है फाइंड द स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर क्या, 16 की होल पावर 2। जितनी पावर होती है इससे ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बेटा? पावर। और नीचे जो दिया जाता है इसे हम बोलते हैं बेस। आपको इतना तो मालूम हो गया बेस और पावर में डिफरेंस। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि आप इस क्वेश्चन में बेस क्या है, तो आप बता सकते हैं 16 बेस है, पावर 2 है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे बोला है खाली नहीं जा रहा स्क्वायर निकालने को, तो आप ये सब आप माइंड में मत रखिएगा। सिर्फ मैंने इतना जो बताया पावर और बेस, ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, 16 का स्क्वायर निकालना तो 16 इंटू 16 कर दीजिए, और फिर दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 256। जो ये 256 आएगा, ये इसका आंसर होगा फाइंड द स्क्वायर 16 का। ठीक है, समझ गया? और यहाँ पे बॉक्स बंद कर दीजिए ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से लिख दीजिए आंसर। ओके, समझ में आ गया बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 51 का स्क्वायर निकालिए, फाइंड द स्क्वायर 51। तो 51 का आप वही जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 51 इंटू 51, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3601। ओके, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए आंसर। ठीक बेटा, 56।
26.01 ये आपका 51 का स्क्वायर। इसी तरीके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, चाहे 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, बस उसका आपको 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, ठीक है। तो उस नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, यानी आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन जो स्क्वायर रूट है ये आपको समझना अनिवार्य है, क्योंकि ये थोड़ा टफ भी है, लेकिन टफ इतना नहीं कि आप समझ ना सके। समझ में आ रही मेरी बात? देखिए, जैसे ये इजी था उसको भी मैं वैसे ही बताऊंगा इजी तरीके से, बस ध्यान देना है आपको, ठीक है। लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है। अगर आपको अंबानी जैसा अमीर बनना है तो आप बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक, मन लगाइए, ओके। वीडियो को ध्यान से देखते थे और समझते थे, खाली यानी कि वीडियो आपने ऑन कर लिया, मोबाइल में देख लिया, गंदी बात। वीडियो देखने के साथ कॉपी और पेन जरूर लीजिए, ठीक है, और तब समझ में आएगी बेटा ये मैथ है। चलिए बेटा ध्यान दीजिए अब स्क्वायर रूट पे, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर दिया गया है आपको, जैसे 196 दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा 5 स्क्वायर रूट, क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, 5 स्क्वायर रूट, ओके। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो आप ऐसा पहले लिखिए 196 स्क्वायर रूट। ये बेटा जो सिंबल होता है ये स्क्वायर रूट का होता है, स्क्वायर रूट में आप यहाँ पे लिखिए चाहे ना लिखिए तब भी ये आपका स्क्वायर रूट ही कहलाए, लिखोगे तब भी स्क्वायर रूट, नहीं लिखोगे यहाँ पे को तो तब भी ये आपका स्क्वायर रूट है। लेकिन क्यूब रूट लिखने के लिए यहाँ पे 3 लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए आप, ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट में तुम लिखे या ना लिखे तब भी आपका स्क्वायर रूट ही कहलाया जाएगा, ठीक। चलिए अब आप एक चीज ये याद रखिये, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको दिया था, मतलब एलसीएम निकालना सिखाया था। अब जो आपके 196 है, इसका क्या करेंगे आप, फैक्टर करेंगे, फैक्टर भी सिखाया था, ठीक है, बस आप फैक्टर करते चले जाइए। 196 किसका, 196 का आपको फैक्टर करना है 2 से, सबसे पहले 2 से आप 196 को कैंसिल कीजिए, कितना आएगा बेटा 2 से 8 टाइम्स गया, फिर 88 आ गया, कितना आ गया बेटा 88 आया, नहीं बेटा गलत है, यहाँ 98 आएगा, ठीक है। तो 2 9 18, फिर 1 बचेगा 1 बार 98, फिर 2 से कैंसिल करें, 4 टाइम्स गए, फिर 9, फिर 49, फिर 7 से, यानी कि इसके जो फैक्टर आए हैं अब इनको यहाँ राइट करेंगे। तो आप ऐसे लिखिए अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 7 × 7, देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल, तो स्क्वायर का मतलब है पावर 2, ये लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ पेयर बनाएंगे 2 2 के, तो आप ऐसे लिखिए 2 2 के पेयर बना लीजिए। आप यहाँ पे जो पेयर में जो थे उनका 1 लिखेंगे 2 × 7, और यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे आप, तो आप ये क्या आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का स्क्वायर रूट है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है बच्चा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 625, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे रूट लगा दीजिए 625, ऐसे लिख लीजिए 625, अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए किससे कैसे वो 5 से देखते हैं, 5 से लेके किससे लेके बेटा, 5 से लेके कितना आया 125, फिर 5 से हम कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25, 25, फिर 5 से ले जाएंगे
कितना आएगा यहाँ, 5 आएगा और 5 से फिर ले जाएंगे 1 आएगा, यानी इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 5 5 5। ओके, तो आप यहाँ पे अंडर रूट लगाइए, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो जोड़े में उतारेंगे, यानी कि पेयर में, तो 5 × 5, यानी इन दोनों में से ये 5 ले लिया, इन दोनों में से ये वाला 5 ले लिया, तो आपका क्या आ गया, 5 × 5 = 25, यानी इसका स्क्वायर रूट 25 आया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।